क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं या आपका भी यही मानना है कि ये सारी चीजें अंधविश्वास है। सोचिए आप रात में अकेले एक सुनसान सड़क पर जा रहे हैं और तभी अचानक आपको हवा में उड़ता हुआ एक साया दिखाई देता है। क्या ऐसा नजारा देखने के बाद भी आप भूतों पर विश्वास नहीं करोगे? आपकी कार के सामने अचानक से कोई आ जाए और आप ब्रेक ना लगा पाओ और जब आप पीछे मुड़कर देखो तो वो साया आपको वही खड़ा दिखे। आपकी गाड़ी के आर पार हो जाने वाली ऐसी चीज को देखने के बाद भी क्या आप भूतों पर विश्वास नहीं करेंगे? इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन हमारी ये दुनिया कभी कभी हमारे सामने ऐसी चीजों को ला देती है जिन्हें देखने के बाद हमें भी विश्वास करना पड़ता है कि ऐसी कोई परालौकिक शक्ति है जो इंसान और विज्ञान की सोच से परे है। आत्माएं और रूहों की एक दुनिया है जो हमारी दुनिया में हमारे साथ साथ ही चलती है, बस फर्क इतना है कि हम शायद उन्हें देख नहीं पाते। आज के इस वीडियो में मैं आप लेकर आया हूँ कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर भूतों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी को साफ साफ रिकॉर्ड किया गया है। तो इस वीडियो को अकेले में और रात में बिल्कुल मत देखना, और अगर हाँ तुम्हें रात में डरने का शौक है तो शौक से इस वीडियो को रात में देखना। शुरू कर देते हैं आज का डरावना और फाड़ू वीडियो। इस वीडियो को अपलोड किया था बाबा सिंह ने। वो अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर एक सुनसान रोड पर अंधेरी रात में कहीं जा रहे थे और तभी उन्होंने देखा सड़क के किनारा एक ऐसा नजारा, सफेद रंग का उड़ता हुआ एक भूतिया साया जिसे देखने के बाद अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती। ओ भाई देख सकते हो, चल देख सकते हो, चल। इसे लाखों लोगों ने देखा और इसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं है। इसे देखने के बाद कई लोगों का ये विश्वास पक्का हो गया है कि सुनसान और अंधेरी जगहों पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भूत कैमरे चालू होने का इंतजार करते हैं कि कब कैमरा चालू हो और कब उनके सामने आ जाए। ये कुछ कोइंसिडेंसेस हैं जब इंसान वीडियो बना रहा होता है और उसके कैमरे में ऐसी रहस्यमय घटनाएं कैप्चर हो जाती हैं। नहीं तो इस दुनिया में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनका वीडियो नहीं बन पाया और इसी वजह से लोग शायद उन पर विश्वास नहीं करते। ऐसी ही घटना रात के समय एक इंसान के साथ घटी जो अपनी कार से अपने घर लौट रहा था। उसकी कार में लगा डैश कैम चालू था और उसने एक रहस्यमय साय को, इंसान जैसे दिखने वाले साय को रोड क्रॉस करते देखा। ये दिख तो इंसान की तरह रहा है लेकिन बिल्कुल भी ये कोई इंसान नहीं है। देखो पिछले वीडियो के बारे में कह सकता हूँ कि उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं की गई हो, वो एकदम ओरिजिनल वीडियो है, लेकिन इस वीडियो पर थोड़ा सा शक है, हो सकता है ये किसी तरह की एडिटिंग का कमाल हो। आपको क्या लगता है इन दोनों वीडियोस में से ज्यादा असली कौन सा है? आपके हिसाब से दोनों ही वीडियोस फेक हैं। बारिश का समय था, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे मैदान में, मौसम का मजा ले रहे थे और उनके घर में से एक व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर उनका वीडियो बना रहा था। उस वीडियो में कुछ ऐसी घटना घटी जिसे उस समय तो उसने नोटिस नहीं किया लेकिन बाद में जब इसे इंटरनेट पर डाला गया तो हंगामा मच गया। ये बच्चे खेलते समय जब मैदान के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं तब गोलकीपर अकेला मैदान के कॉर्नर में रह जाता है और तभी उसके पीछे हवा में कोई साया प्रकट होता है जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उस लड़के को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसके पीछे कोई चुपके उसके पास आ रहा है और ये भी पॉसिबल है कि ये साया जो कैमरे में दिखाई दे रहा है आंखों से वो दिखाई भी ना दे रहा हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये धुएं जैसी आकृति धीरे से उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर गई। तो क्या ये कोई भटकती हुई आत्मा थी जो उस बच्चे के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी और कैमरे में कैप्चर हो गई? जैसे लॉकडाउन के समय बंद दुकान के आसपास ही दुकानदार आत्मा की तरह भटकते रहते हैं, वैसे ही कुछ यूट्यूबर्स आत्माओं की तलाश में सुनसान जगह पर भटकते रहते हैं। ऐसा ही एक चैनल है जिसका नाम है एक्सप्लोर विद डेनी और उन्होंने अपना ये वीडियो डाला था ये कहते हुए कि उन्हें एक सुनसान जगह पर काला जादू करती हुई एक चुड़ैल दिखाई दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनी अपनी टीम के साथ अपने कैमरे के साथ एक सुनसान जगह में एंटर कर रहे हैं और उन्हें तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। जब उन्होंने जाकर छुप कर पीछे से देखा तो एक औरत उन्हें काला जादू करते हुए दिखाई दी। इस वीडियो में ऐसा बताया गया था कि ये जो औरत थी ये किसी भूत के कब्जे में थी और उसने इनका पीछा किया, इनको मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे डैनी और उनकी टीम के लोगों की जान बच गई। लेकिन यार जूते पहनकर काला जादू कौन करता है? ये डैनी के चैनल या वीडियो पर किसी तरह का एलिगेशन नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो फेक है, इसे केवल एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाया गया था। और ये जो औरत हमें दिखाई दे रही है ये कोई भूत भूत नहीं है, इसने मेकअप किया है और ये भी शायद डैनी की टीम में से
से ही कोई एक है। तो यार स्कूल में सीखी गई हर बात अच्छी नहीं होती, वैसे ही हर भूत की वीडियो सच्ची नहीं होती। सो 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु थिंक इट्स रियल। भले तुम्हें इस चुड़ैल के मेकअप को देखकर हंसी आ गई हो, लेकिन याद रखना ये असली हो या नकली, अगर ऐसा नज़ारा वाकई में किसी को रात में देखने को मिल जाए तो वाकई बता रहा हूँ मैं, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये सीसीटीवी फुटेज नकली नहीं है, ये दिल्ली का है और इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है भूत की तरह वो किसी और चीज़ का रिफ्लेक्शन हो, लेकिन इट्स रियली स्कैरी अगर ये वाकई में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। आपको क्या लगता है कैमरे में कैप्चर हुआ ये फुटेज वाकई में असली भूत का वीडियो है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मुझे मालूम है कि वीडियो शुरू होते ही तुमने पहले ही कमेंट टाइप कर दिया होगा, वीडियो को पूरा देखे बिना ही लिख दिया होगा ऑसम वीडियो, देखने में मजा आ गया। तो अपने इस पाप को धो लो, अपने कमेंट को एडिट करो और वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे जरूर बताना कि ये दिल्ली का जो सीसीटीवी फुटेज है ये असली भूत का है या नहीं। ये एक लाइब्रेरी का सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ पर एक बंदा किताबों को जमा रहा था, लेकिन तभी अचानक धीरे से उसकी ट्रॉली में मूवमेंट हुआ, लेकिन भूत का ये प्रयास असफल रह गया क्योंकि भाई उस आदमी ने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमारे पास कोई आत्मा होती है वो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए चीज़ों में मूवमेंट कराती है, और वो मूवमेंट तब तक करती रहती है जब तक कि आपको किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो जाता। वहाँ पर जो भी शक्ति थी उसने बुक शेल्फ से बुक को गिराया, उस आदमी ने आवाज़ सुनी, वो वापस आया, उसने बुक को फिर से जमा दिया, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, वो किताबें तब तक गिरती रहीं जब तक वो आदमी डर कर वहाँ से भाग नहीं गया। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, मुझे अफसोस है कि आपको मैं आज भी सफ़ेद साड़ी वाली कोई चुड़ैल का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा पाया। जब तक कोई चुड़ैल सफ़ेद साड़ी ना पहन ले हमें अंदर से देसी वाली फीलिंग ही नहीं आती। हाँ मेरे पास एक वीडियो है जो ये रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि ये फेक वीडियो है इसलिए मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अगर रात में देख रहे हो और डर लगने लगा है तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। तो बस खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।